दोस्तों, क्या आप लोग फ्लिपकार्ट ऐप का यूज़ करते हो? अगर आप लोग फ्लिपकार्ट ऐप का यूज़ करते हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट ऐप से आप लोग किसी भी सामान को कैश ऑन डिलीवरी कैसे ऑर्डर करोगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बिग बिलियन डे चल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं और सारे प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज जो है वो गिरा हुआ है। तो अगर आप लोग कुछ भी सामान खरीदना है तो अभी आप लोग खरीद सकते हो, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर पहले पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी मंगाना चाहते हो तो वो भी मंगा सकते हो। तो कैसे आप लोग ऑर्डर करोगे, सारे प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप लोग किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे सामान अभी खरीदना है, तो मैं आप लोगों का लाइव प्रूफ ऑर्डर करके दिखाऊंगा क्या क्या प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को जानना है, सीखना होगा फ्लिपकार्ट ऐप से किसी भी सामान को ऑर्डर कैसे किया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलेगा, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद ऊपर में आप लोगों को सर्च बार मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी सामान खरीदना होगा वो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मुझे एक ट्रिमर लेना है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ट्रिमर आ चुका है। तो जो भी ट्रिमर आप लोगों को लेना होगा उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, यानी जो भी आप लोगों का सामान लेना होगा वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल करके इसके बहुत सारे इमेजेस देख सकते हो। और उसके बाद इसे खरीदने के लिए आप लोगों को नीचे बाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग स्किप एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा। तो अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगा रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोग का एड्रेस नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे मैं चेंज एड्रेस पे क्लिक करके आप लोग को बताता हूँ कैसे न्यू एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एड अ न्यू एड्रेस, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तीन सारे ऑप्शन को आप लोगों को फुलफिल करना है, जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर जो होगा, उसके बाद पिन कोड, वो सारे चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू कर दोगे तो यह जो एड्रेस होगा वो सेव हो जाएगा। एड्रेस सेव होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो होगा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि UPI, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, EMI। ऐसे करके यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनसे आप लोग यहाँ पे पैसे पे कर सकते हो। तभी हम लोग कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे सामान को ऑर्डर करना है, तो मैं आप लोगों से बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो ऊपर में लिखा हुआ है 447, तो इसे आप लोगों को डाल देना होगा। नहीं डालोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर नहीं होगा। उसके बाद कंफर्म ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो ऑर्डर है वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे मुझे 16 सुपर कॉइन्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ऐसे करके आप लोग कैश ऑन डिलीवरी बहुत ही आसानी तरीके से फ्लिपकार्ट पे कोई भी सामान को आप लोग ऑर्डर कर सकते हो और उसका आप लोग आनंद उठा सकते हो, बाय कर सकते हो। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किस तरह के प्रॉब्लम होती है अगर आप लोगों का फ्लिपकार्ट ऐप पे, तो नीचे कमेंट करके बताना, आपका भाई आप लोग का हेल्प जरूर करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।